सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे थे आपका क्लास 12th की इंग्लिश को, और उसमें मैंने आपका जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट किया था, और आज जो आपका उसी में सबसे होने वाला है वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होने वाला है। इसमें हम आपको इसके रूल्स सभी बताएंगे इस वीडियो में, और अगले वीडियो में आपकी हम प्रैक्टिस कराएंगे, इन रूलों को इम्प्लीमेंट करके आपको बताएंगे कि आप इन रूलों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपने जो भी सेंटेंस आपको दिए हुए हैं डायरेक्ट उनको इनडायरेक्ट कैसे बना सकते हो इन सभी रूलों का यूज करके। तो इस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको वो मिल जाए, ठीक है। और अगर आपने पहले के एक भी वीडियो मिस कर दिए तो आप देख लेना जाके, उसमें मैंने आपको एसर्टिव सेंटेंस करा दिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस करा दिए, उसके बाद आपका एक्सक्लेमेटरी करा दिया, इस तरीके से मैंने आपको वो सेंटेंस करा दिए हैं कैसे उनकी आप इनडायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो हमारा किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आपको हमारे चैनल का नाम सर्च करना है यूट्यूब में जाकर, बेसिक टू टॉप स्टडी, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो उसे फाइंड आउट करने में, बेसिक टू टॉप स्टडी, ठीक है। ये नाम डाल के आप यूट्यूब में सर्च करना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, और वहां पे जाकर इसको सब्सक्राइब करना, और आप क्लास 12th की इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट बनी होगी उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट की वहां पे आप जाकर के इन सभी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए इसमें पहला रूल क्या दिया हुआ है। पहले तो इन सेंटेंसों में क्या भावनाएं प्रकट होती हैं उनके बारे में हमने आपको बताया हुआ है। जैसे लिखा है रूल नंबर 1, ठीक है, इन वाक्यों में भगवान से प्रार्थना, भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका ये हो जाए, आप इतने अच्छे हो जाओ, या आप इतना पैसा कमा लो, आपकी दीर्घ आयु हो जाए, ऐसे करके हम कहते हैं, ठीक है, शुभकामनाएं देते हैं, ठीक है, प्रार्थना करेंगे, शुभकामनाएं देंगे किसी को, और हम किसी को अभिशाप देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और उनसे क्या देते हैं, अभिशाप देते हैं, ठीक है, कि आप नर्क में चले जाओ, ठीक है, आप बाढ़ में जाओ, ऐसे करके हम कहते हैं। तो वहां पर हम क्या अभिशाप देते हैं, शुभकामनाएं हम देते हैं कि आप अपने जीवन में सक्सेस हो जाओ, ठीक है, आप अपने मतलब जो आपका जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आप बहुत ऊंचाई तक जाओ, इस तरीके से हम शुभकामनाएं देते हैं। प्रार्थना हम करते हैं कि उसकी दीर्घायु हो जाए, वह बहुत सालों जिए, ऐसे करके मान लो हम कहते हैं, शुभकामना देते हैं, तब हम उसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रार्थना का प्रयोग करते हैं, प्रकट किया जाता है, ठीक है, ये चीजें इसमें बताई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रूल नंबर 2, सैड और सैड टू, जो सैड और सैड टू आपको दिया होगा उसके स्थान पर आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने तीर का नीचे निशान लगा लिया है। तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हो किसी के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपको सैड और सैड टू को किसमें चेंज करना पड़ेगा, पेयर्ड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी को शुभकामना दे रहे हो तो उसे आप विश्ड करोगे, सैड और सैड टू किसमें चेंज कर दोगे, विश्ड में चेंज कर दोगे, ये जो चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कह दिया अभिशाप, अभिशाप का मतलब क्या है कि उसे कष्ट कर रहे हो, उसे अभिशाप दे रहे हो कि आप जीवन में कभी तरक्की ना कर पाओ, ठीक है, आप हमें क्या, आप जहां जाओ वहां जाओ, वार्ड में घुस जाओ, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो, उसे अभिशाप दे सकते हो। इसके बाद क्या रहेगा, तथा, अब इनका जब ये सब प्रोसेस करने के बाद क्या रहेगा, तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो उसमें हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, पर इसकी भी कंडीशन है, ठीक है, वो कंडीशन आपके नेक्स्ट रूल में मिल जाएगी। वहां पे हम क्या करते हैं, जहां पर भी मे लिखा होता है इसमें जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसमें सेंटेंस में अगर मे से स्टार्ट हुआ है तो वहां पर हम दैट का यूज करते हैं, अगर नहीं हुआ है तो नहीं करते हैं, ठीक है। ये रूल भी मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको मिल जाएगा। रूल नंबर 3, हैप्पी बर्थडे, किसी को हम क्या कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे की बधाइयां दे रहे हैं, ठीक है, हैप्पी दिवाली, गुड मॉर्निंग, गुड डे, आपका अच्छा दिन हो, ये सभी हम जब ग्रीटिंग्स देते हैं किसी को, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम विश करते हैं, क्या करते हैं उसके लिए, उसे हम शुभकामनाएं देते हैं, ठीक है, शुभकामनाएं देते हैं का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करेंगे, हम विश का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल में लिखा है रूल नंबर 4, गुड बाय और गुड नाइट, किसी से गुड बाय आप कर गए, ठीक है,
आपने गुड नाइट किसी को बोल दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, के लिए बेड का यूज करेंगे, ठीक है, बी ए डी ई, बेड का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नंबर पांच, मे से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में कंजक्शन दैट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मे से अगर स्टार्ट हो रहा है, जो आपका रिकॉर्डिंग स्पीच है अगर वो मे से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका कंजक्शन दैट यूज किया जाएगा। जबकि मे के ना होने पर, अगर मे नहीं है आपका रिकॉर्डिंग स्पीच में, ठीक है, तो क्या करेंगे, दैट का आप प्रयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, आप दैट का यूज नहीं करेंगे, वहां पे दैट नहीं आएगा कंजक्शन के रूप में, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर छह, मे को सब्जेक्ट के बाद लाते हैं और उसे हम माइट में चेंज कर देते हैं। क्यों हम लाते हैं सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि हमें आपका जो सेंटेंस होता है वो एसर्टिव सेंटेंस बनाना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद मे को लेकर आते हैं, पर मे का हम पास्ट फॉर्म लिखते हैं, क्या माइट लिखते हैं, ठीक है, तो हम माइट उसे बना देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, नंबर सेवन, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क आपको मालूम है विस्मयाद बोधक चिन्ह जो होता है वो ये रहा आपका, इसे हटाकर हम क्या करते हैं फुल स्टॉप, ये जो फुल स्टॉप लगा दिया मैंने, ऐसे फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये सभी रूल आपको याद कर लेने हैं, अगले वीडियो में जब भी हम मिलेंगे तो आपको इनके सभी जो सेंटेंस लिखकर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा इसका स्ट्रक्चर जो भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इन रूलों को सभी को लिख लेना, फिर आप याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें आपके ये रूल ज्यादा थोड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेना, हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी दिवाली है, गुड मॉर्निंग है, गुड डे है, तो ये हम क्या कर रहे हैं विश कर रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं यानी शुभकामना दे रहे हैं, उसके लिए यूज क्या होता है गुड बाय या गुड नाइट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आप रूल अच्छी तरीके से सभी याद कर लो अच्छी तरीके से, अगले वीडियो में जब भी मिलेंगे तो आपको हम इनके कन्वर्ट करना बताएंगे, आप इनडायरेक्ट कैसे बना सकते हो ऑपरेटिव सेंटेंस की, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, थैंक यू।